घर और किचन के काम चाहे छोटे हों चाहे बड़े, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़े से टिप्स लगाकर इन कामों को किया जाए तो काम करना काफी आसान हो जाता है, काम करने में मन भी लगता है और हमारा समय पैसा दोनों बचता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताइएगा कि आप इस चैनल का वीडियो किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। दिवाली में हम सभी नई झाड़ू मार्केट से लेकर आते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका यूज करते हैं। तो जब भी हमें इसका यूज करना होता है तो इसकी जो भूसी है कितना भी छुड़ा लें फिर भी निकलती रहती है और काफी दिनों तक ये निकलती रहती है। ये देखिए, इस तरह से करके हम कितना भी इसको निकाल दें फिर भी निकलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा घर साफ होने के बजाय और गंदा हो जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आप मार्केट से नई झाड़ू लेकर आइए तब क्या कीजिए, प्रेस को हल्का सा गर्म कीजिए। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा इसको गर्म करना है और फिर हल्के गर्म प्रेस से इस तरह से झाड़ू के ऊपर रब करेंगे। हल्का हल्का रब करना है, ध्यान रखना है कि प्रेस बहुत ज्यादा गर्म ना हो। इस तरह से सब तरफ हल्का हल्का हम इसको रब कर देंगे। तो बस इस तरह से प्रेस से हल्का सा झाड़ू को गर्म करने के बाद अब लेंगे कोई कंघी, पुरानी कंघी अगर आपके घर में है जिसका यूज नहीं करती हैं वो ले लीजिए, या फिर कोई टूटी हुई कंघी है तो वो भी चलेगी। क्योंकि झाड़ू अभी एकदम नई है, इसका यूज हम नहीं किए हैं, तो आप कंघी भी नई ले सकती हैं और फिर इसको धुलने के बाद आप इसका यूज बाल बनाने के लिए कर सकती हैं। कंघी का ये मोटा वाला भाग लेंगे, इसी से हमें इसको इस तरह से हल्का हल्का कंघी करना है। इससे क्या होगा कि हम झाड़ू को गर्म पहले ही कर लिए हैं थोड़ा सा और फिर कंघी से जब ऐसे ऐसे निकालेंगे तो इसकी सारी भूसी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो इसको अच्छे से हल्के हाथ से इस तरह से खोल खोल कर सब तरफ से बढ़िया से कंघी ऐसे लगा देंगे। तो ये देखिए, इसकी जितनी भी भूसी निकलनी थी सब एक साथ निकल चुकी है। अब बार बार ये भूसी नहीं निकलेगी। अब ये झाड़ू एकदम साफ सुथरा हो चुका है, तो अब इससे हम अपने घर को साफ करेंगे तो घर बढ़िया साफ सुथरा हो जाएगा। तरह की पैकेट बंद चीजें हम सभी मार्केट से लेकर आते ही हैं, चाहे तो ओट्स हो गया, दलिया हो गई, चाय की पत्ती हो गई, कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं। इसको हम डिब्बे में खाली कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत बच जाता है तो इसको हम जिप लॉक से लॉक करके रख देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिन में देखते हैं कि सॉफ्ट पड़ गया है। तो आज मैं बहुत आसान टिप लेकर आई हूँ जिससे सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी चीज़ें आपकी बची हैं उसके पैकेट को पहले इस तरह से हम चुन्नट बना लेंगे, खाली वाले पाउच को ऐसे चुन्नट की तरफ बना लेंगे और अब जिधर से कट किए हैं उधर से इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा पैकेट है तो आप दो बार फोल्ड कर लीजिए और छोटा है तो एक बार इस तरह से कर लीजिए। अब अगर आप इस पर जिप लॉक लगाएंगे तो ना तो आपकी चीज़ें सॉफ्ट होंगी और ना ही खराब होंगी। तो आप चाहे तो इस तरह से जिप लॉक लेकर इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए और आपके पास अगर जिप लॉक नहीं है, इसका यूज नहीं करना चाहती हैं, तब क्या कीजिए, तो इसके लिए हमें चाहिए रबर बैंड। तो इसको हम इसके ऊपर अच्छे से फोल्ड कर देंगे। जिस साइज का आप रबर बैंड ले रही हैं उसी के हिसाब से 2-3-4 बार इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए तो भी ये बढ़िया से लॉक हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की नमी नहीं जाएगी और ये चीजें सॉफ्ट भी नहीं पड़ेंगी। तो ये टिप वैसे तो बहुत छोटी है लेकिन घर गृहस्थी के लिए बहुत यूजफुल है। तो इस टिप को आप भी अपने किचन में अपना सकती हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह से थर्मोकोल पड़ा हुआ है, चाहे तो नया हो या फिर पुराना, आप इसका बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। इससे हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया चीज जो पर डे घर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज होता है और मार्केट से हम उसको लाते हैं तो काफी महंगा पड़ता है और घर में हम इसको बनाएंगे तो फ्री में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यह थर्मोकोल तो चाहिए ही। इसी के साथ में हम लेंगे कोई कंटेनर, आप चाहे तो इस तरह से जैम का, दही का या कोई भी आपके घर में अगर ऐसा कंटेनर है जिसका ढक्कन बंद हो जाए उस तरह का कंटेनर ले लीजिए। अब हमें चाहिए तारपीन का तेल। तो ये तारपीन का तेल है, ये 25 से 30 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाता है तो हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, लगभग 1 टेबल स्पून तेल हम इसमें ले लेंगे। अब ये थर्मोकोल लेंगे और इसमें इस तरह से इसको हम ऐसे डिप करेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ये गल जाएगा।
थोड़े से तेल में ढेर सारा थर्मोकोल इस तरह से आ जाता है। इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा उतना बड़ा पीस थर्मोकोल का इसमें खत्म हो गया, तो थोड़ा सा हम और लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम थर्मोकोल इसमें डालेंगे तो ढेर सारा थर्मोकोल इसमें आ जाएगा। और थोड़े से तेल में ही, ज्यादा तेल की हमें जरूरत भी नहीं है, थोड़े से तेल में ही बहुत ज्यादा बनकर ये तैयार होता है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है फेविकोल। तो जब तक कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा ना हो जाए तब तक आप इसमें थर्मोकोल मिलाते रहिए। तो मैं इसमें अब और नहीं मिला रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है, थोड़े से की जरूरत है। ये देखिए इतना ज्यादा ये स्टिकी होता है कि इसके आगे क्विक फिक्स या फेविकोल वगैरह जैसी चीजें भी फेल हैं। तो इससे आप अगर कुछ भी आपके घर में चिपकाने वाली चीजें हैं तो चिपका देंगे एक बार, तो फिर वो खुलेंगी नहीं, काफी मजबूती से ये चिपक जाता है। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी फेविकोल या फेविस्टिक या कोई भी चिपकाने वाली चीजें नहीं है तो बस आप इस तरह से थोड़े से थर्मोकोल के टुकड़े और तारपीन के तेल से फेविकोल बनाकर तैयार कर सकती हैं। इस तरह की जाली हम सभी के घरों में होती है। तो इसको साफ करना वैसे तो बहुत आसान होता है, हल्का सा हम इसमें कुछ भी लगाते हैं स्क्रबर साबुन सर्फ करके तो बहुत आसानी से ये साफ हो जाती है। लेकिन कभी कभी अगर अच्छे से सफाई ना की जाए तो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए लोग क्या करते हैं, इस तरह के तार का यूज करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह के तार का यूज बिल्कुल ना कीजिए क्योंकि तार के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो इस जाली में फंस जाती है, कहीं भी जाली में फंस जाएगी और फिर जब हम इसका यूज करेंगे तो वो टुकड़ा जो है हमारे खाने में आ सकता है, जो काफी नुकसानदेह होता है। तो इसको साफ करने के लिए क्या कीजिए, ये वाला स्क्रबर लीजिए, इससे बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है और किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। हमारी सबसे पहली टिप है इस तरह के ऑयल को लेकर। जब भी हम पूरी पकौड़ी या फिर कुछ भी फ्राई करने वाली चीजें बनाते हैं तो लास्ट में देखते हैं ऑयल काफी खराब हो गया है, ऑयल जल भी जाता है और जो भी चीजें बनाते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें आ जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा तेल है तब तो लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन ज्यादा तेल है तो इसको फेंकने में भी खराब लगता है कि इतना महंगा तेल मिलता है और इसको हम ऐसे ही फेंक दें। इस वजह से इसको हम फेंकते नहीं हैं और इसका यूज करने में भी हमें खराब लगता है कि ये तेल काफी खराब हो चुका है। तो आज मैं बहुत आसान टिप लाई हूँ जिससे आप जिस तेल में जितनी भी ज्यादा चीजें फ्राई की हो, तेल जितना भी ज्यादा खराब हो चुका हो, बहुत आसानी से उस तेल को हम साफ कर सकते हैं। और इसको साफ करने के लिए कई सारा स्टेप भी नहीं अपनाना है, सिर्फ एक स्टेप में ही हम इसको बिल्कुल बढ़िया साफ कर लेंगे। तो ये तेल देखिए, मैं पकौड़े बनाई थी तो पकौड़े बनाने के बाद तेल देखिए कितना ज्यादा खराब हो चुका है, और ये सरसों का तेल है। तो आप यही टिप रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी के साथ भी अपना सकती हैं। तो हमें चाहिए एक बाउल, व्हाइट कलर का बाउल ले रही हूँ जिससे आपको ठीक से पता चले कि तेल कितना बढ़िया साफ हो चुका है। अब इस पर रखेंगे एक छन्नी, नॉर्मल कोई भी आप छन्नी ले लीजिए, स्टील का प्लास्टिक का कोई भी ले लीजिए। अब हमें चाहिए नैपकिन, नैपकिन हम सभी के घरों में होता है। नैपकिन को अच्छे से इसमें इस तरह से सेट कर देंगे। अब नैपकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नैपकिन के बजाय कॉटन भी ले सकती हैं। अब ये तेल हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा ही तेल है इसलिए मैं छोटा सा बाउल ली हूँ और छोटा सा नैपकिन का टुकड़ा ली हूँ, इसको अच्छे से दो बार फोल्ड कर ली हूँ। तो नैपकिन को हम दो बार फोल्ड करके तभी इसमें तेल डालेंगे। तो इस तरह से सारा तेल हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके यहाँ ज्यादा तेल है तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, या तो फिर बड़ा बर्तन लीजिए और बड़ी छन्नी लीजिए और थोड़ा सा नैपकिन भी बड़ा ले लीजिए। तो देखिए एक एक बूंद तेल इसमें गिर रहा है रिफाइंड होकर। तो इसको हम करीब आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि तेल कम है तो 25 से 30 मिनट में ये छन जाएगा। इसको छनने में टाइम लगता है क्योंकि नैपकिन से धीरे धीरे करके ये रिफाइंड होता है, इसलिए समय लगता है। तो आप अगर और ज्यादा तेल लेंगी तो और ज्यादा समय लग जाएगा। इस तरह से छन्नी और नैपकिन पर तेल को डालकर आप अपना दूसरा काम करती रहिए, आराम से इसको छनने दीजिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमारा तेल बिल्कुल बढ़िया एकदम साफ सुथरा निकल आएगा। तो आप इसी तरह से रिफाइंड ऑयल को भी छान सकती हैं, देसी घी को भी छान सकती हैं, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है तो देसी घी जमने लगेगा। तो बीच बीच में अगर आपको जरूरत लगे तो गर्म करके थोड़ा थोड़ा देसी घी छानिएगा। तो ये देखिए अभी इतना तेल छना है, तो इसको मैं छोड़कर बाकी दूसरा काम कर रही हूँ, आधे घंटे बाद फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसमें से सारा तेल निकल चुका है। देखिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बड़ा बाउल लीजिएगा जिससे ये छन्नी इसमें टच ना हो, मेरी छन्नी इसमें टच थी।
तो सारा तेल निकल चुका है। और देखिए इसमें कितनी ज्यादा गंदगी थी जो पकौड़े में बनाई थी, सबका देखिए डस्ट इसमें है और छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये सब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में भी नुकसानदेह है। तो देखिए लग नहीं रहा है कि इसमें हम पकौड़े बनाए थे। तो इस तरह से आप भी पकौड़े बने हुए तेल को बिल्कुल मत फेंकिए, उसको रिफाइंड करके रीयूज कर सकती। तो इसके लिए एक कप ओट्स लेंगे। अब यहाँ पर एक कप पानी ली हूँ, पूरा पानी नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। तो ये पानी एकदम नॉर्मल है और इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है जितने से ये ओट्स अच्छी तरह से भीग जाए। तो बस देखिए ओट्स में पानी नहीं है, सिर्फ अच्छे से ये भीग चुका है। अभी इसको ढक कर रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तो करीब 10 मिनट बाद हम देखेंगे ओट्स अच्छी तरह से फूल जाएगा और जो भी पानी इसमें है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए अब इसको खूब अच्छी तरह से मसल लेंगे। बस आपको इसमें पानी डालते समय ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओट्स का आटा चिपचिपा होता है, साथ ही साथ ओट्स भी काफ़ी चिपचिपा होता है, तो चम्मच की मदद से जो उंगली में लगा है इसको हम पहले छुड़ा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए चम्मच की मदद से पहले मैं छुड़ा ली हूँ। अब हाथ धुलकर फिर इसको छुएंगे, क्योंकि अभी फिर से अगर हम इसको अच्छे से मसलेंगे तो फिर हाथ में चिपक जाएगा। अब हाथ में थोड़ा सा ओट्स का आटा लगा लीजिए या फिर देसी घी या फिर तेल लगा लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ। तो ये देखिए पहले ये थोड़ा गीला लग रहा था लेकिन अब ये हाथ में नहीं चिपकेगा। तो बस जरा सा ही देसी घी लगाएंगे। तो इतने आटे में मैं दो रोटी बनाकर तैयार करूँगी। तो अब जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से इससे रोटी बनाएंगे। पहले गोल करते हुए इसकी लोई बना लेंगे और फिर अब इसको बेलने के लिए हमें चाहिए ओट्स का आटा, और आप चाहे तो यहाँ पर गेहूँ का आटा भी ले सकती हैं। वैसे ये रोटी बिना ओट्स का आटा लगाए भी बन जाएगी, लेकिन तब थोड़ी सी मोटी बनती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है। तो अगर आप थोड़ी मोटी बनाने वाली हैं तो फिर आटा ना लगाइए, और पतली बनाने वाली हैं तो थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर ओट्स का आटा लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, एक थोड़ी पतली बनाऊंगी ओट्स का आटा लगाकर और एक मोटी बनाऊंगी बिना आटा लगाए। तो इस तरह ओट्स से बिना आटा तैयार किए भी आप ओट्स की पतली रोटी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए मैं इसको कितनी पतली बना रही हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पतली कर रही हूँ। ये देखिए तो बस जैसे नॉर्मल रोटी सेकते हैं तवा के गर्म होने पर डालते हैं, इसको भी ऐसे डाल देंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाए फिर पलट देंगे। इस रोटी पर जल्दी से कलर नहीं आता है, इसलिए मीडियम हाई पर या फिर हाई पर बनाएंगे। तो मैं इसको गैस चूल्हे पर सेकूंगी, क्योंकि तवे पर अगर बहुत ज़्यादा देर तक सेकूंगी, कलर लाने लगूंगी, तो फिर ये रोटी हार्ड हो जाती है, इसलिए गैस चूल्हे पर ही सेककर इसको निकाल लूंगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता है, जैसे गेहूं की रोटी पर कलर आ जाता है उस तरह से जल्दी कलर नहीं आता है, और कभी कभी कलर लाने के चक्कर में रोटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अब एक मैं बता रही हूँ बिना आटा लगाए, तो उसको पहले हम इस तरह से बड़ी कर लेंगे, जितनी बड़ी हो सके उतनी आप ऐसे करके कर लीजिए। तो ये देखिए पहले हम इतनी बड़ी कर लेंगे, उसके बाद इसमें पानी लगाकर फिर बड़ी करेंगे। अब मैं पानी से ओट्स की रोटी बनाकर दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से रोटी को बड़ी करेंगे। जितनी बड़ी आप कर पाइए आराम से उतनी बड़ी कर लीजिए, क्योंकि ओट्स थोड़ा रूखा होता है ना, तो इसलिए रोटी टूटने लगती है। तो बस जितनी बड़ी हो जाए उतनी कर लीजिए। इसको भी उसी तरह से सेक लेंगे, हल्का सा कलर आएगा तो दूसरे साइड से पलट देंगे, और क्योंकि ये रोटी थोड़ी मोटी है तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आप पतली रोटी बना रही हैं तो फिर हाई फ्लेम पर सेकिएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो रोटी इस साइड से देखिए अच्छे से पक चुकी है, अब इसको तवे पर ही मैं सेक कर दिखा रही हूँ। और ओट्स की रोटी जब आपको खाना हो तभी बनाइए, रखने पर भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये रोटी भी बहुत अच्छे से सीख चुकी है, तो इसके कलर पर ना जाइएगा, क्योंकि रोटी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ओट्स का कलर ही ऐसा होता है कि जल्दी पता नहीं चलता है कि रोटी सीख चुकी है, लेकिन जब आप खाएंगी तो रोटी बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। तो इस तरह से बिना आटा तैयार किए साबुत ओट्स से आप ओट्स की रोटी चाहे तो मोटी बनाइए और चाहे तो पतली। तो इसके लिए हमें चाहिए दिवाली का जला हुआ दिया, और इसको धुलने की या साफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट जला हुआ दिया ले लीजिए और साथ में एक ग्रेटर ले लीजिए।
दिए को इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, यानी कि घिस लीजिए। तो इससे हमें दो फायदा होगा, एक तो हमारा ग्रेटर काफी शार्प हो जाएगा, दूसरा हमें इस दिए का पाउडर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब इसका यूज क्या करना है हमें, तो मैं पहले भी इसका कई सारा यूज आपको बताई हूँ, आज फिर से एक बहुत ही अनोखा यूज बता रही हूँ। तो इससे हम साफ करेंगे अपने घर की कड़ाही, तवे और प्रेशर कुकर या फिर कोई भी बड़ा बर्तन हो गया उसको। पहले के जमाने में आप देखते होंगे कि गांव में मिट्टी या फिर राख से बर्तन धुलते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि मिट्टी में काफी जम्स पाए जाते हैं और असली राख आजकल कहीं मिलता नहीं है, खासकर शहरों में तो ना तो मिट्टी मिलती है ना ही राख मिलता है। तो हम मिट्टी और राख के बजाय यहाँ पर दिए के पाउडर का यूज कर सकते हैं। और दिए को बनाने के बाद अच्छे से पकाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह का जम्स होने का भी डर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे कि लोहे की कड़ाही है, आप देख पा रहे होंगे कड़ाही कितनी गंदी है, इसमें कितना सारा जंग लगा है, तो मैं इसको साफ करके आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए ये पाउडर हम इसमें डाल देंगे, ये जो दिए का पाउडर है इसमें डाल देंगे। अब आप लिक्विड वाश ले रहे हैं या विम बार ले रहे हैं, जिससे भी आप अपने घर का बर्तन धुलती हैं उसको ले लीजिए और स्क्रबर में लगा लीजिए। और अब इससे हम इसको साफ करेंगे। थोड़ा सा हमें इसको रगड़ना जरूर पड़ेगा, लेकिन आपका बर्तन एकदम बढ़िया से चमक जाएगा। और अगर आप लोहे के बर्तन को साफ करने का और अच्छा रिजल्ट चाहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा ले लीजिए, तो और बढ़िया से और जल्दी से चमक जाएगा। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई कितनी गंदी थी और अभी आप देख पा रहे होंगे कितनी साफ हो चुकी है। तो थोड़ी देर में इसको और रगड़ती तो और अच्छे से साफ हो जाता, लेकिन बस मैं अभी आपको धुलकर दिखा रही हूँ। तो दिवाली में जले हुए दिए से पहले आप भी अपने घर की कढ़ाई को खूब अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उसके बाद इसमें किसी भी तरह की सब्जी बनाइए, कोई भी रेसिपी बनाइए। तो पहले देखिए कढ़ाई में कितना जंग लगा था, कितनी गंदी थी, और अभी देखिए साफ हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी जले हुए दिए के पाउडर से इस कढ़ाई को बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी YouTube फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।